हे गाइस, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस जॉब्स नाउ चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 और आपके सीएचएसएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये बार बार पूछी जा चुकी है वोकेबलरी, तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके ऊपर आपको वोकेबलरी बताएंगे और उसके बाद जो ऑप्शन में सारी वोकेबलरी होंगी हम उसके मीनिंग भी आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन बाय विच यू कैन रिसीव ईच एंड एवरी अपडेट एज सून एज वी अपलोड एनी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो वोकैब है वो हमारी है अ मैथड विच नेवर फेल्स। अ मैथड विच नेवर फेल्स इज नोन एज इनफॉलिबल। मेरे साथ बोले इनफॉलिबल। ये एसएससी में 14 times पूछा जा चुका है, 14 बार। इनफॉलिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेवर रॉन्ग, जो कि कभी गलत नहीं होता। नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग वट इट इज सपोज टू डू, ठीक है, जो कि कभी फेल नहीं होता। अब हम नेक्स्ट को पढ़े। नेक्स्ट में है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लिंचिंग। क्या है अनफ्लिंचिंग? आपको बोलना भी आना चाहिए अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, ठीक है। तो अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड। मतलब कि अनफ्लिंचिंग का मतलब जो अपनी जगह से ना हिले, ठीक है, जो कि अपनी जगह चेंज ना हो, जो कि स्ट्रॉन्ग बना रहे, डिटरमिन्ड बना रहे, इवन इन अ डिफिकल्ट डेंजर सिचुएशन, नॉट श्रिंकिंग फ्रॉम डेंजर, जो डर से भी ना डरे, इज नोन एज अनफ्लिंचिंग। सेकेंड इज इररिपेरेबल। बोलिए इररिपेरेबल, इररिपेरेबल, इसका मतलब होता है टू बैड टू सीरियस टू रिपेयर और पुट राइट, ठीक है, जिसको मतलब ठीक ना किया जा सके, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज इररिमेडिएबल। क्या है इररिमेडिएबल? इररिमेडिएबल, ठीक है, टू बैड टू बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, जिसको क्योर ना करा जा सके, उसको बोलते हैं। देखो रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है उपचार, उपकार, ठीक है, किसी चीज का उपचार हो गया आपके पास, ठीक है, लेकिन जहाँ पे IR आ जाता है वहां पे मतलब टू बैड टू बी करेक्टेड, जो जिसको मतलब जो इतना बिगड़ गया जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब हमारा सेकेंड जो सेंटेंस है वो ये है, अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर स्पेशली बाय गिविंग देम मनी। ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब के गरीबों की मदद करता है उनको मनी देके, उसको क्या बोलते हैं? आप अपने आंसर लगा के रखिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको उसमें से कितने कितने आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पर इसका आंसर है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, ठीक है, स्पेशली बाय गिविंग देम मनी, ठीक है, यहाँ पे मनी का एग्जाम्पल लेके समझा रखा है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, अ पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7 times पूछा जा चुका है। बोहिमियन, बहुत बार आ चुका है ये वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बोहिमियन, याद रखना। अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जो कि अपने मजे मस्त रहे, जो कि कभी फॉर्मल ना, जो कभी फॉर्मल ना रहे, जो कि ऐसी जिंदगी जिए जो कि इनफॉर्मल वे में हो और जहाँ पे कोई रूल्स ना हो बिहेवियर के, जो कि आर्ट्स में इन्वॉल्व रहता हो, ठीक है, जो कि मतलब कि एंटरटेनमेंट की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हो, उसे कहते हैं बोहीमियन। ये एक नाउन है, सो आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनेशनलिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट मतलब क्या होता है? जो कि बाहर का हो। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट कंट्री शुड वर्क टुगेदर इन फ्रेंडली वे, यानी कि यहाँ पे कंट्री को पास में लाने की बात करी गई है, एकजुट करने की बात करी गई है। इंटरनेशनल समझ में आता होगा आपको, ठीक है, इंटर ज्यादातर कनेक्शन के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, और नेशनल आपको पता ही है। और अ पर्सन हु बिलीव्स दैट कंट्री शुड वर्क इन अ फ्रेंडली वे, साथ में वर्क करना एक फ्रेंडली वे में, ये आपको पता होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है, दैट्स वाई यहाँ पर लिया गया है। अब अवन हु ईट्स फ्लैश, इसको बोलते हैं कैनिबल, ठीक है। मैन ईटर किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है मैन ईटर। मैन ईटर किसे कहते हैं? ये एक नाउन है, अ वाइल्ड एनिमल दैट अटैक्स एंड ईट्स ह्यूमंस। मैनीटर का मतलब ही क्या है? जो कि आदमी को खाए, जो कि इंसान को खाए, एक ऐसा वाइल्ड एनिमल, मैनीटर एक ऐसा वाइल्ड एनिमल होता है जो कि इंसानों के ऊपर हमला करता है और इसे खाता है। नेक्स्ट वर्ड बीस्ट, क्या माना? बीस्ट।
बीस्ट का मतलब होता है एक लार्ज डेंजरस और अनयूजुअल एनिमल। क्या है? अनयूजुअल एनिमल, लार्ज डेंजरस अनयूजुअल एनिमल। आपने मूवी देखी होगी ना, फैंटेस्टिक बीट्स। आगे हम पढ़ते हैं सेवेज। सेवेज आपने काफी जगह सुना होगा, इसका मीनिंग होता है एग्रेसिव, वॉयलेंट, कॉजिंग ग्रेट हार्म, ब्रूटल। सेवेज का मतलब पता होगा, देखो सेवेज बिल्कुल उल्टा है अपने नाम से। सेव का मतलब होता है कि सेव करना, किसी की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जो जो पर्सन एग्रेसिव हो, वॉयलेंट हो, ग्रेट हार्म किसी को कॉज करे, और यहाँ पे ब्रूटल हो, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही वर्ड है, आपको उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अ मोर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग। फिर से बोलिए, अ मोर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग इज नॉन एन एलेगी। एलेगी याद रखना है इसको, एलेगी एक नाउन है, एक ऐसी पोयम या फिर सॉन्ग होता है जो कि सैडनेस को दिखाता है, सैडनेस मतलब दुख को, ठीक है? और ज्यादातर एलेगी पोयम होती है जिसको जब कोई मर जाता है, हु हैज डाइड, उसके लिए गाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज सोनेट। क्या होता है सोनेट? सोनेट अ पोयम, एक ऐसी पोयम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, जिसके अंदर 10 सिलेबल होते हैं और सबका एक फिक्स पैटर्न होता है राइम का। सोनेट का मतलब समझ में आया? एक ऐसी पोयम जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं, हर एक के अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं और एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओडी। क्या बोलते हैं इसको? ओडी। ओडी एक ऐसी पोयम होती है, अ पोयम डेट स्पीक्स टू अ पर्सन, जो कि एक इंसान के बारे में होती है या फिर किसी वस्तु थिंग के बारे में होती है। सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, अ पोयम डेट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट इज नोन एज ओडी। नेक्स्ट इज लिटर्जी। लिटर्जी ठीक है, लिटर्जी एक नाउन है। लिटर्जी का मतलब क्या होता है? अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप, अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप यूज्ड इन चर्चेस। ये जो लिटर्जी है, ये ज्यादातर जो ये वर्ड है, ये चर्च के अंदर यूज करा जाता है। कहाँ पर? चर्च में यूज करा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक ये फिक्स्ड फॉर्म ऑफ मतलब लोगों की, पब्लिक की वर्शिप होती है जो कि चर्चेज में होती है, याद रखना आपको इस चीज को। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है डैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड, जिसको कभी मतलब जो होना है वो अकर रहेगा, मतलब जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। डैट विच कैन अवर्टेड, जिसको हम टाल नहीं सकते, इज नोन एज इनएविटेबल, इनकेपेबल ऑफ बींग अवॉइडेड प्रिवेंटेड, यानी कि जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते, इनएविटेबल। जैसे कहते हैं ना, द एंड इज इनएविटेबल, अंत को कोई रोक नहीं सकता, दिस इज दी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड एक ऑब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव है, अनरिस्ट्रेंड, मार्क्ड बाय, जिसको रिस्ट्रेंड ना करा जा सके, यानी कि जो मतलब कि एक्साइटमेंट हो, इमोशन हो, उसको हम रिस्ट्रेंड ना कर सके, मतलब कंट्रोल ना कर सके, मार्क्ड बाय अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और इमोशन। नेक्स्ट वर्ड इज अनवेरिंग। अनवेरिंग ठीक है, अनवेरिंग का मतलब होता है जिसके अंदर वेराइटी की कमी हो। अन का मतलब होता है नहीं, अन का मतलब ज्यादा नॉट को शो करता है, याद रखेगा, ठीक है? वेराइंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो इसकी लैकिंग वेराइटी, ऑलवेज द सेम। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल मतलब होता है ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल, यानी कि जिसके जिससे कोई डिस्प्यूट ना। कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है? जिसपे हम डिस्प्यूट कर सके, ठीक है? जैसे कि न्यूज में आपने देखा होगा कि 5-6 बंदे एक टॉपिक पे डिस्प्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रोवर्टेबल। लेकिन यहाँ पे इनकॉन्ट्रोवर्टेबल यानी कि इनडिस्प्यूटेबल, नॉट ओपन टू क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अपने वीडियो 15 मिनट्स तक ही रहेगी, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी आपके लिए एक सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम स्टैटिक का सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको पता है कि आपके पेपर जो है सीजीएल के, वो 11th अप्रैल से स्टार्ट है टू 20 अप्रैल, तो आपके पास 1 मंथ है। 1 मंथ में आपकी ऐसी ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है कि आप अराउंड 35+ आराम से स्कोर कर सकें आउट ऑफ 50। आप ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी तैयारी कैसे है और किस प्रकार से है। चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और स्पेशल पेन इज नोन एज कैलीग्राफी। बोलिए कैलीग्राफी, ठीक है? कैलीग्राफी क्या होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, ठीक है? तो यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेंसिलिंग। क्या है स्टेंसिलिंग? फिर से बोलिए स्टेंसिलिंग। स्टेंसिलिंग देखिए, मेकिंग लेटर्स अ डिजाइन ऑन समथिंग यूजिंग अ स्टेंसिल। स्टेंसिल पहली बात होता क्या है? स्टेंसिल एक थिन पीस ऑफ मेटल, एक मेटल का थिन पीस होता है, प्लास्टिक का या फिर कार्ड का,
जिसके ऊपर एक डिज़ाइन की कटआउट होती है, ठीक है, जिसको आप सरफेस पे रखते हैं, पॉइंट करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जो सेम डिज़ाइन है वो पेपर पे मिल जाए। स्टेंसलिंग आपने देखी होगी, आप डिज़ाइन वाली सीजर्स होती हैं उससे कटिंग करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन बनाने के लिए स्टेंसलिंग का यूज़ किया जाता है। याद रखना इस वर्ड को, अच्छा वर्ड है। ग्राफिक्स को आपको पता ही होगा, ग्राफिक्स ज़्यादातर प्रोडक्शंस ऑफ बुक्स जैसे कनेक्टेड विद ड्राइंग्स, डिजाइंस, मैगजीन्स। तो ग्राफिक्स आजकल आपने पता ही होगा, ये कंप्यूटर का वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट इज हीरियोग्लाइफिक्स, याद रखना, जिसमें एक आ जाए ना, हीरियोग्राफिक्स, ये एक नाउन है, रिटन इन और बिलोंगिंग टू अ राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्टोरियल सिंबल्स। पिक्टोरियल सिंबल से कुछ मतलब किसी सिस्टम को राइट करना या फिर कोई चीज़ बिलोंग करती है उसको दर्शाना, ठीक है। तो हीरियोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, रिटन इन और बिलोंगिंग टू अ राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्टोरियल सिंबल्स, रिटन इन और बिलोंगिंग टू अ राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्टोरियल सिंबल इज नॉट हीरियोग्लाइफिक्स। सेवेंथ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कभी हराया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, इट इज नोन एज इनविंसिबल। क्या है इनविंसिबल? दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड इज नोन एज इनविंसिबल। इनविंसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, चेंज और अनकॉन्करेबल। कॉन्करेबल का मतलब क्या होता है, जिसपे जीत पाई जा सके, और अन का यूज हो गया यानी कि जिसपे जीत पाई जा सके, जो कि अनडिफीटेड हो। नेक्स्ट इज इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, देखिए इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हार्म ना किया जा सके, ठीक है। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, जिसको इजिली हार्म करा जा सके, और इनवल्नरेबल का मतलब जिसको इजिली हार्म ना करा सके, ठीक है, जो कि सेफ हो, ठीक है, जिसको डिफीट ना करा सके आप उसको, ठीक है। देखा होगा आपने ल्यूसीफर एक सीरीज है, उसके अंदर दे रखा है, मतलब एक सीन है जिसके अंदर बोलता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि मतलब जिसको शॉट हो सके या फिर जिसको गोली मारी जाए तो गोली लगे। इनवल्नरेबल मतलब जिसको कुछ भी कर लो हार्म ना हो बिल्कुल भी। इनफॉलिबल का मतलब मालूम पड़ गया आपको, जो कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इन इनडिक्टेबल, इनडिक्टेबल इसको इनडाइटेबल ही बोल सकते हैं, कुछ कुछ इनडाइटेबल ही बोलते हैं, इनडाइटेबल, ठीक है, इनडिक्टेबल बोलने का तरीका है, लेकिन इनडाइटेबल सही है, ठीक है, इसको वैसे इनडाइटेबल बोलते हैं, ठीक है, इनडाइटेबल, इट्स नॉट इनडिक्टेबल, इनडाइटेबल बोलते हैं इसको, इनडाइटेबल। ये क्राइम से रिलेटेड होता है, ठीक है, फॉर विच यू कैन बी इनडाइटेड, इंडक्टेड टू ऑफिशियली चार्ज समबडी, ठीक है, ये क्राइम से रिलेटेड है जिसके अंदर आपको क्या हो सकता है, सजा मिल सकती है, ठीक है, ऑफिशियली आपके क्या लग सकता है, चार्ज लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वेट अ मिनट, आई थिंक देयर इज सम इश्यू।